बस मैं हूं आपके साथ दुष्या और सबसे पहले खबर आपको बता रहे हैं राजन गांव से। राजन गांव के मदनवाड़ा में 13 जुलाई 2009 को आईपीएस सभी के 24 समेत 29 पुलिसकर्मियों के शहीद मामले की सरकार न्यायिक जांच कराएगी और इसके लिए सरकार ने जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया। आपको बता दें कि नक्सलियों के योजनाबद्ध तरीके से किए गए हमले में एसपी 24 समेत 29 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। शहीद 24 को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। इस घटना के बाद सूचना तंत्र और एसपी को बगैर पर्याप्त सुरक्षा और तथाकथित परिस्थिति बताकर भेजे जाने को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। घटना की एफआईआर मानपुर थाने में दर्ज हुई थी, लेकिन राजन गांव में पदस्थ रहे तत्कालीन आईजी मुकेश गुप्ता और इंटेलिजेंस की भूमिका को लेकर सवाल खड़े अक्सर होते रहे हैं। न्यायिक आयोग को 9 बिंदुओं पर जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां सुरक्षा में चूक पर जो समय समय पर सवाल उठते रहे हैं उसको लेकर न्याय की मांग भी होती रही है। अब बड़ा सवाल ये कि अगर न्याय होगा तो किस तरीके से जांच होगी, क्योंकि जांच को लेकर भी समय समय पर बड़े सवाल उठते रहे हैं। तो 13 जुलाई 2009 को नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया था, हमला किया था, और जिसमें एक पुलिस कर्मी शहीद हुआ था। आईपीएस वी के 24 समेत 29 पुलिसकर्मी इसमें कुछ शहीद हुए थे और कुछ घायल हुए थे। तो राजन गांव के मदनवाड़ा में 13 जुलाई 2009 को आईपीएस वी के 24 समेत 29 पुलिसकर्मियों के शहीद मामले की सरकार न्यायिक जांच कराएगी और इसके लिए सरकार ने जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। और आपको बता दें कि नक्सलियों की योजनाबद्ध तरीके से किए गए हमले में एसपी 24 समेत 29 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। शहीद 24 को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था और इस घटना के बाद सूचना तंत्र और एसपी को बगैर पर्याप्त सुरक्षा और तथाकथित परिस्थिति बताकर भेजे जाने को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। घटना की एफआईआर मानपुर थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर न ही जांच पूरी हुई है और न ही कोई कार्रवाई ठीक तरीके से हो पाई है। हालांकि पूरा जिम्मा अब शंभुनाथ श्रीवास्तव पर है, क्योंकि वो इस जांच को देख रहे हैं। मदनवाड़ा कांड की न्यायिक जांच होगी और जांच के जो मुख्य बिंदु हैं, हमले के बाद अतिरिक्त बल भेजा गया था या फिर नहीं, इस पर एक बड़ा सवाल उठा है। राज्य और केंद्रीय फोर्स के बीच में तालमेल था या फिर नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल उठा है। घटना किन परिस्थितियों में हुई, क्या इसे रोका जा सकता था, ये भी बड़ा सवाल उठा है। और क्या सुरक्षा प्रक्रियाओं और निर्देशों के पालन ठीक तरीके से हो भी पाया था या फिर नहीं, ये तमाम वो सवाल उठ रहे हैं जो अक्सर न्यायिक प्रक्रिया पे या जांच पर उठाए गए हैं। क्या वाकई में बहुत बड़ी चूक हुई थी सुरक्षा में जो इतनी बड़ी घटना हो पाई, या 29 पुलिसकर्मी इसमें शहीद हुए थे? अगर ठीक तरीके से निगरानी बरती जाती या सुरक्षा पर अच्छे से ध्यान दिया जाता तो क्या इस हमले में जो 29 जवान शहीद हुए हैं उन्हें बचाया जा सकता था? ये तमाम पहलू उठ रहे हैं और समय समय पर ये मामला उठता रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार रूपेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रूपेश, जांच को लेकर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं, एक बार फिर से यह मामला तूल पकड़ लिया है कि क्या वाकई में सुरक्षा में चूक हुई थी? चूंकि इस मामले को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने लगातार विपक्ष में रहते हुए सवाल उठाए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब ये घटना हुई थी तो घटना स्थल पर पहुंचने वाले मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही थे और उन्होंने इस घटना के कई बहुत करीब से घटना के बाद के हालात को देखा है और कई पहलुओं से वाकिफ है। तो ये
लगातार चर्चा में बात रही है कि जो मदनवाड़ा में हुआ है कहीं ना कहीं उसमें कुछ लोगों की भूमिका संदिग्ध रही है, और ये घटना इतनी जो हो गई, किन परिस्थितियों में ये घटना हुई, क्या इस घटना को रोका जा सकता था या फिर कुछ और कारण थे, यानी कि अंदर क्या कुछ चल रहा था, इसकी पड़ताल बेहद जरूरी है और इसीलिए सरकार ने न्यायिक आयोग बनाने की घोषणा की है। हालांकि सरकार ने इस बार एसआईटी का गठन नहीं हुआ है किया है क्योंकि एसआईटी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे, और न्यायिक जांच में भी ऐसा नहीं लगता है कि एक या दो बिंदु पर सिर्फ जांच हो रही है और खानापूर्ति की जा रही है, अलग अलग बिंदुओं पर जांच करने का जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल है वो यही है कि न्यायिक जांच आयोग किस समय तक अपनी रिपोर्ट देती है, कब तक देती है, ये चूंकि लगातार छत्तीसगढ़ का जितने भी न्यायिक आयोग बने हैं उसको देखा जाए तो टाइम लगातार एक्सटेंड होता रहा है, तो रिजल्ट समय पर आ जाए ये सरकार के लिए, ये आयोग के लिए एक चैलेंज। रुपेश, जो बड़े सवाल उठ रहे हैं इस वक्त अपने दर्शकों को टेक्स्ट के जरिए भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कौन कौन से वो सवाल उठ रहे हैं। जैसा कि आप भी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि हमले के बाद अतिरिक्त बल भेजा भी गया था या नहीं, या फिर राज्य और केंद्र फोर्स के बीच में तालमेल था या फिर नहीं, इस तरीके के तमाम सवाल हैं जो उठते रहे हैं, इनको लेकर क्या कहा जा रहा है, जांच को लेकर क्या कहा जा रहा है? देखिए, भाजपा ने सवाल उठाए हैं और भाजपा ने इसको एसआईटी की जांच के साथ जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है कि भाजपा को दिक्कत क्या है, किसी घटना का सच सामने आ जाए तो प्रॉब्लम क्या है, क्या इसलिए उस जांच को छोड़ देना चाहिए, अगर कोई चीज संदेहास्पद है तो संदेह को दूर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वो घटना पुरानी है, लेकिन उसमें 29 लोगों की जाने गई थी, ये महत्वपूर्ण चीज है, और 29 लोगों की जान अगर किसी की लापरवाही, किसी खामी की वजह से गई है तो वो बात सामने आनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि दरअसल इसका जिम्मेदार कौन है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रुपेश। और चलिए इसी बीच बड़ी